पत्नियां हो जाएं सावधान, क्योंकि आ गया है सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट जिसमें पत्नी ने डाला था डीवी का केस लेकिन नहीं कर सकी साबित, तो उसके ऊपर ही लगा दिया 1,00,000 रुपए जुर्माना यानी कि फाइन। और पति के लिए है एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जो डीवी का और 498 का मिसयूज कर रही हैं सिर्फ पैसा लेने के लिए। तो ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कई बार क्या होता है डीवी का जो यूज होता है वो सिर्फ पैसा लेने के लिए होता है। तो ऐसा ही केस हम आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका जजमेंट लिंक भी देंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से अगर आपके ऊपर भी डीवी का गलत या झूठा केस लगा है तो आप अपनी पत्नी को फंसवा सकते हैं, यानी उसके ऊपर फाइन भी लगवा सकते हैं और केस तो डिसमिस करवा ही सकते हैं। आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसका इस्तेमाल आपके डीवी केस को भी खत्म करवा सकता है। इस केस में न केवल डीवी एक्ट के केस को खत्म किया गया है बल्कि 1,00,000 रुपए जुर्माना पत्नी के ऊपर भी लगाया गया है। इस केस में पत्नी पति से अलग रहती है और जब वो अलग रहती है तो पति के ऊपर डाल देती है डीवी का केस यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस, और उसके बाद वो इंटीरियर मेंटेनेंस और कंपनसेशन की डिमांड करती है यानी कि मांग करती है। और इसमें वो कहती है कि उसके पति ने उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, उसे मारा है, पीटा है, फिजिकली हरेस्ट किया है, मेंटली हरेस्ट किया है, उसको खाना नहीं दिया है, उसको मार पीट के डॉक्टर के पास नहीं लेके गए हैं, उसको घर से निकाल दिया है। जो आम बातें अधिकतर डीवी केस में आती ही आती है वही बातें इसमें भी लिखी गई थी। अब इस केस में जो ट्रायल कोर्ट होती है वो 5,00,000 रुपए कंपनसेशन और 25,000 रुपए पर मंथ पत्नी को पे करने का ऑर्डर कर देती है। अब ये ऑर्डर होने के बाद पति जाता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जब वो सारी बात अपनी रखता है तो पति को 5,00,000 रुपए जो कंपनसेशन देना था उस पर स्टे मिल जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा पति के फेवर में ऑर्डर आने के बाद जो पत्नी होती है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले के पूरे फैक्ट्स को एनालाइज किया जाता है और पाया जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, क्योंकि उसमें से एक भी आरोप को वो साबित नहीं कर पाई है। जो भी आरोप लगाए हैं वो पैसा लेने के लिए लगाए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो इंटीरियर मेंटेनेंस और कंपनसेशन लेने की डिमांड कर रही है वो पूरी तरह से इलीगल है। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना केवल इंटीरियम ऑर्डर को रोक लगा दी गई यानी कि इंटीरियम ऑर्डर पर रोक लगाई गई बल्कि डीवी केस को खारिज कर दिया गया और जो महिला थी जो पत्नी थी उसके ऊपर 1,00,000 रुपए फाइन भी लगा दिया गया। तो इस केस से आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर आपके ऊपर डीवी केस डाल दिया गया और आपने कुछ नहीं किया है, इसका मिसयूज हो रहा है ये भी माना गया है डीवी केस का, पैसे लेने के लिए अधिकतर महिलाएं जो करती है डीवी का केस डाल देती है, 498A का केस डालती है, आप घबरा जाते हो, आप उसको पैसे दे देते हो, तो ऐसा ना करें। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप भी इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि अकॉर्डिंग टू योर केस फैक्ट, आपके केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग आप इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस के लिए भी कर सकते हैं और आपके डीवी के केस को भी खारिज करवा सकते हैं, ऊपर से अपनी पत्नी के ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है इसी केस से संबंधित तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको नंबर अपना दे देंगे और जो जजमेंट है वो हम इसका लिंक में दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे झूठे आ रहे हैं और जो लोग हैं कई तो सुसाइड करने पर उतारू हो जाते हैं, इतने परेशान होते हैं, हो सकता है आपका थोड़ा सा शेयर जो है वो लोगों की जान बचा दे। तो इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा। धन्यवाद।